हेलो दोस्तों, आज हम खेलेंगे चूचू चालेस। चूचू चालेस एक मॉन्स्टर ट्रेन है जिसको हमें ख़त्म करना है। वो एक गांव पे कब्जा करके बैठी है, वहां से आने जाने वाले लोगों को खा जाती है या पता निकल जाती, कुछ भी करती हो। अरे कहना क्या चाहते हो? खैर, हमें क्या, हमें तो बस उसे ख़त्म करना है कैसे भी करके। तो होता कुछ ऐसा है, हमारा दोस्त हमें फ़ोन करता है कि आजा भाई मॉन्स्टर मॉन्स्टर खेलेंगे। फिर मैं एक ही बात बोलता हूँ फ़ोन पे, अबे साले। तो दोस्तों मैं आ गया सामान उठा के, मुझे लगा मेरा दोस्त मजाक कर रहा है, भाई चलो चलते हैं इसी बहाने घूमाएंगे कहीं पे। तो मैं आ गया, फिर मुझे क्या पता था आने के बाद कहाँ कहाँ से फटने वाली है। तो दोस्तों चूचू चालेस से मिलने से पहले मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे, मेरे अंदर का डर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मुझे पता नहीं था अगली पली क्या होने वाला है आगे, पर ये चप्पू चलाने वाला ही मेरा दोस्त, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। साले की ज़िंदगी में ना अभी भी है ना बच्चे, मेरी ज़िंदगी में तो दोनों है। दोस्तों जैसे तैसे हम वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर मैं इसको फॉलो करता हूँ। ये हमें अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जा रहा था जहाँ पर इसने छुपा रखे थे हथियार। तो ये मुझसे सबसे पहले एक सवाल करता है, मेरे भाई तेरे आगे जाने से पहले कोई आखिरी इच्छा? फिर ये एक बात और बताता है, मैं तुझे एक बात बताना भूल गया, अगर तूने पीछे मुड़ के देखा तो तू गया, तो बिना कुछ सोचे समझे तेरे को सीधे भागना है। तो फिर क्या था दोस्तों, मैंने भी धीरे तेजी से उठ दिया और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और जैसे तैसे करके मैं अपने दोस्त को पीछे छोड़ने की कोशिश करता रहा। वो मुझसे बहुत तेज भाग रहा था, उसकी लगता ज़्यादा फट रही थी, लेकिन मेरी ज़्यादा फट रही थी उसको क्या पता था। तो मैं उससे सबसे पहले तेज़ भागने लग गया और मैंने उसको पीछे छोड़ दिया, उसको देखा भी नहीं पीछे मुड़ के क्योंकि उसने मना किया था मुझसे। और जैसे तैसे करके मैं उस मकान में पहुँचता हूँ और मुझे लगता है अब तो बहुत आसान है, बस हथियार उठाना है और उसको मारना है। खैर मुझे कहाँ पता था, अभी तो ये शुरुआत है और अपने लगने वाले हैं एल। तो मैं उस गेट को खोलने की कोशिश करता हूँ, वो गेट खुलता नहीं है। तो ये बोलता है, चूतिया मैं तेरे साथ मजाक कर रहा था, चाबी तो मैंने दूसरे घर पे रखी है। ये सुन के मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं भागते हुए गुस्से में जाता हूँ, चाहे जो हो जाए चाबी लेके आऊँगा और उस बंदूक से सबसे पहले इसी का सर उड़ाऊँगा। तो मैं जाता हूँ उस घर पे और देखता हूँ चाबी इधर उधर मिल जाए मुझे। तो मैं चाबी ढूंढने आता हूँ, गेट खोलता हूँ, चाबी मुझे सीधे टेबल पर मिल जाती है। और फिर क्या था, फिर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने बोला अब तो आसान होगी गेम यार, अब तो बहुत आसान है, अब तो जाएंगे सीधे गोली मारेंगे और ख़त्म खेल। तो मैं जाता हूँ सीधे और जैसे ही मैं चाबी लेके वहाँ पहुँचता हूँ, इसका एक ही सवाल था, तू जिंदा आ गया? तो दोस्तों जैसे ही मैं मकान में घुसता हूँ वैसे ही मुझे दिखता है एक बस ट्रेन का इंजन और दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता दोस्तों। तो ये देख के मेरा दिमाग और ख़राब हो जाता है कि भैया मॉन्स्टर को मारेंगे कैसे इस टीन के डब्बे से। और तो और मुझे ट्रेन चलाना नहीं आती थी, तो फिर मैंने इससे पूछा, भाई ट्रेन चलती कैसे? तो इसने बोला बस लीवर को ऊपर कर दे ट्रेन चल जाएगी। फिर क्या था दोस्तों, मैंने लीवर जैसे ऊपर करा ट्रेन चल पड़ी। जहाँ मैं ट्रेन चलने की खुशी मना रहा था वहाँ मुझे पता नहीं था अगले पल हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है भयानक जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। पीछे से एकदम से आवाज़ आती है, चार्ल्स इज हियर। जैसे ही मैं इसको देखता हूँ मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, ये क्या है? खैर जैसे तैसे मैंने उस पर पूरी गोलियाँ खाली कर दी, छल्ली कर दिया पूरा, पर वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और एकदम से ऐसा कुछ होता है कि मैंने सोचा भी नहीं था, वो मेरे प्यारे से दोस्त को ले जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और पता नहीं उसके बाद तो मुझे दिखता भी नहीं है वो। इसके बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जो काम मैं करना चाहता था वो उस चार्ल्स ने कर दिया। खैर दोस्तों मेरा दोस्त कितना बड़ा कमीना क्यों ना हो, मैं उसकी मौत का बदला लेके रहूँगा, मैं चार्ल्स को ख़त्म करके रहूँगा दोस्तों और इस गांव को चार्ल्स से मुक्त कर दूँगा।